फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गूगल कथा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए वेस्ट बंगाल प्राइवेट स्कूल से वैकेंसी की अपडेट लेकर के आई हूँ। यहाँ पे इस वीडियो में 20 प्लस टॉप स्कूल कवर करूँगी मैं, और वेस्ट बंगाल की वैकेंसी की बहुत ही डिमांड आ रहा है दोस्तों। तो आप लोगों का प्रेफर स्टेट भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं झारखंड, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सारा स्टेट्स ही कवर करती हूँ दोस्तों। इंडिया की हर एक स्टेट्स कवर करती हूँ। तो आप लोगों का प्रेफर स्टेट मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्रेफर स्टेट, प्रेफर लोकेशन, प्रेफर्ड सब्जेक्ट ज़रूर बताना दोस्तों। और इससे पहले भी मैं दोस्तों बहुत सारा वैकेंसीज की डिटेल्स ऑलरेडी चैनल पर दे चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा, और डेडलाइन निकलने से पहले ही आप लोग अप्लाई कीजिएगा दोस्तों, अगर इंटरेस्टेड रहे तो। और वेस्ट बंगाल के वी एस एंड डी ए वी, डी पी एस एंड मोस्ट रिप्यूटेड स्कूल्स की वैकेंसी के अपडेट अदर स्टेट से भी मैं दे चुकी हूँ अपडेट चैनल पे। अगर नहीं देखे होंगे तो एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा दोस्तों। और चलिए चलते ये सारा वैकेंसीज की डिटेल्स बहुत ही शॉर्ट वे में चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, हर एक डिटेल्स मैं नहीं रीड करूँगी, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों, या तो फिर वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो ये वैकेंसी जो आया हुआ है दोस्तों, ये है बीबीआईटी पब्लिक स्कूल से, एफिलेटेड टू सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई स्कूल है ये। और यहाँ पर रिक्वायरमेंट है पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी टीचर्स का। तो इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फिनेंस और अकाउंट्स, एचआर, आईटी रिसेप्शनिस्ट, पीए, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और बिजनेस डेवलपमेंट, डेटा एंट्री, वार्डेंस बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिन और सेल्स एंड मार्केटिंग और अकाउंट्स, ये सब में रिक्वायरमेंट है दोस्तों। आप लोग मेल कर सकते हो, ये जो मेल आईडी दिया हुआ है, और कंटेक्ट भी कर सकते हो विद इन 15 डेज। मतलब कि ये वैकेंसी का अपडेट मुझे एक दिन पहले कल मिली थी दोस्तों। तो इसके हिसाब से आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा डेडलाइन निकलने से पहले ही। और यहाँ पे बोला गया है, देख लीजिए, बजबज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बीबीआईटी कोलकाता। तो ये कॉलेज है और ये स्कूल है दोस्तों। यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट्स है प्रोफेसर्स का। तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो हर एक डिटेल्स का। बीबीआईटी पब्लिक स्कूल से भी रिक्वायरमेंट है, सीबीएसई स्कूल है ये, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। कोलकाता, ये लोकेशन हो जाएगा कोलकाता। www.bbit.edu.in पर जाकर के आप लोग सारा डिटेल्स चेक कर सकते हो कॉलेज के लिए, और www.bbitpublicschool.com पर जाकर के आप लोग सारा डिटेल्स स्कूल के बारे में पता कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आया हुआ है दून टेक्नो स्कूल से, हावड़ा दोमजूर से आया हुआ है वैकेंसी। www.doontechnoschool.com पे जाकर के आप लोग सारा डिटेल्स देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एकेडमिक काउंसलर, कैंपस इंचार्ज, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, ये सबका रिक्वायरमेंट है। hr@doontechnoschool.com पे आप लोग का सीवी सेंड कर सकते हो। एक छोटा सा एप्लीकेशन लेटर, इम्प्रेसिव एप्लीकेशन लेटर जरूर अटैच कीजिएगा दोस्तों, मेरे चैनल पर भी दिया हुआ है। और कोई भी अदर्स एप्लीकेशन की फॉर्मेट भी आप लोग मॉडिफाई करके छोटा सा एप्लीकेशन लेटर अटैच कर सकते हो दोस्तों। और यहाँ पे एक फ़ोन नंबर दिया भी गया है, यहाँ पे कॉल करके भी आप लोग सारा डिटेल्स पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छी स्कूल है ये, हावड़ा दोमजूर की स्कूल है दोस्तों, दून टेक्नो स्कूल। आप लोगों का प्रेफर्ड लोकेशन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। ताम्रलिप्त पब्लिक स्कूल से वैकेंसी है, तमलुक से है ये वैकेंसी। www.tps.org.in पे जाकर के आप लोग सारा डिटेल्स पता कर सकते हो, ठीक है। ताम्रलिप्त पब्लिक स्कूल तमलुक से है ये वैकेंसी। प्रिंसिपल, पीजीटी फॉर कंप्यूटर, टीजीटी फॉर इंग्लिश एंड कॉमर्स। तो प्रिंसिपल का रिक्वायरमेंट है दोस्तों, इसके लिए मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है। और पीजीटी में भी बहुत सारा सब्जेक्ट्स, टीजीटी इंग्लिश कॉमर्स, पीआरटी इंग्लिश साइंस, लाइब्रेरियन के लिए आप लोगों का बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस होनी चाहिए विद नॉलेज ऑफ लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, लेडी फिजिकल एजुकेशन टीचर विद बीपीएड, नर्सरी टीचर्स, ग्रेजुएशन विद मंतेसरी ट्रेन, ये आप लोगों का होनी चाहिए। को करिकुलर एक्टिविटी टीचर, ग्रेजुएट विद एंड एक्सपीरियंस टू ऑर्गेनाइज वेरियस स्कूल प्रोग्राम्स, लेडी एडमिशन काउंसिलर विद साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये सारा डिटेल्स आप लोगों का होनी चाहिए दोस्तों। ऑल कैंडिडेट्स मस्ट बी फ्रॉम इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड, शुड पोजेस रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस, एट्रैक्टिव सैलरी यहाँ पे ऑफर किया जाएगा। विद इन 15 डेज आप लोगों को अप्लाई करना होगा दोस्तों। secretary.nhkf@gmail.com पे आप लोगों का सीवी सेंड कर सकते हो। आप लोग कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया गया है, यहाँ पे भी आप लोग कॉल करके सारा जानकारी ले सकते हो। ये जो वैकेंसी आया हुआ है तमलुक से आया हुआ है दोस्तों, तमलुक वेस्ट बंगाल से, ताम्रलिप्त पब्लिक स्कूल से वैकेंसी है।
हर एक स्कूल के लिए दोस्तों आप लोग वेबसाइट पे जा करके और गूगल पे सर्च करके सारा डिटेल्स चेक कर सकते हो, स्कूल के बारे में जान सकते हो, सिचुएशन अंडरस्टैंड कर सकते हो और सैलरी के बारे में भी जान सकते हो। मोस्ट ऑफ द प्राइवेट स्कूल्स में तो सैलरी अकॉर्डिंग टू द वर्कलोड बहुत ही कम होता है दोस्तों, फिर भी आप लोगों को बहुत ही स्मार्ट अप्रोच दे करके सैलरी नेगोशिएट करना चाहिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एंड गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। बहुत ही साफ स्मार्ट अप्रोच बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि स्कूल रिक्रूट कर रहा है, स्कूल मैनेजमेंट सोचेगा कि बहुत ही कम दे करके, कम पेमेंट दे करके, कम सैलरी दे करके आप लोगों का, आप लोगों से काम किया कराना जाए कराया जाए, बट यू हैव टू जस्ट यू हैव टू पोज योर क्वालिफिकेशन, योर एक्सपीरियंस, योर कैपेबिलिटी। ओके, तो फिर आप लोगों को ऐसे ही आप लोगों का क्वालिफिकेशन के हिसाब से, एकेडमिक रिकॉर्ड एंड एक्सपीरियंस के हिसाब से सैलरी निगोशिएशन करना होगा। नेक्स्ट वैकेंसी है दोस्तों पैलान वर्ल्ड स्कूल, ये भी कोलकाता से आया हुआ है दोस्तों, ये भी बहुत ही रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है, आप लोग जानते ही होंगे, सैलरी भी अच्छी खासी दिया जाता है यहाँ पे, बहुत ही अच्छी सैलरी प्रोवाइड किया जाता है। और यहाँ पे देख लीजिए, टीचर्स फॉर मिडिल एंड साइंस सेकेंडरी स्कूल TGT PGT में रिक्वायरमेंट है, ऑल सब्जेक्ट्स बंगाली, बायोलॉजी, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब के लिए रिकॉमेंड है। एलिजिबिलिटी आप लोगों का होनी चाहिए ट्रेन ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। तो यहाँ पे देख लीजिए, आप लोगों का PGT के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन ज़रूरी है, बट TGT के लिए ग्रेजुएशन होने से ही आप लोग अप्लाई कर सकोगे, विद BEd होना चाहिए एंड मिनिमम 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट सब्जेक्ट्स एंड टीचिंग इन आ रिकग्नाइज्ड काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन स्कूल, ठीक है। और नेक्स्ट जो है फिजिकल एजुकेशन टीचर का भी रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी आप लोगों का होनी चाहिए BPed और MPed फ्रॉम एनी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, ही शुड बी एबल दैट मीन्स मेल टीचर का रिक्वायरमेंट है दोस्तों, ही शुड बी एबल टू ट्रेन एंड असिस्ट इन ऑर्गेनाइजिंग स्कूल फंक्शंस और इवेंट्स, ही शुड हैव डीप नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स, एग्जाम्पल बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन एक्सेट्रा, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू नेशनल चैंपियन, मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इज नीडेड। तो अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस नहीं भी है दोस्तों, एज अ फ्रेशर ज़रूर अप्लाई करके रखिएगा, क्योंकि कभी कभी मैंने देखा है पलन ग्रुप ऑफ स्कूल और एनी अदर्स मोस्ट रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में भी विदाउट एक्सपीरियंस एज अ फ्रेशर आप लोगों को कभी कभी चांसेस दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मे बी योर पर्सनैलिटी, योर अप्रोच ऑफ इंटरव्यू और योर एकेडेमिक रिकॉर्ड, शायद चांसेस दिया जाता है विदाउट एक्सपीरियंस भी, ठीक है। आर्ट्स टीचर का भी रिक्वायरमेंट है, मिनिमम 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट सब्जेक्ट एंड टीचिंग, स्विमिंग टीचर, हाईली एक्सपीरियंस ट्रेनर विद नेसेसरी सर्टिफिकेट्स सर्टिफिकेशंस, सेक्रेटरी टू द प्रिंसिपल, इसका भी रिक्वायरमेंट है दोस्तों, ग्रेजुएट हैविंग इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स, मस्ट हैव एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, कंप्यूटर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन सेक्रेटरियल वर्क, एडिशनल नॉलेज अबाउट IEC काउंसिल्स, प्रेफर्ड एक्सपीरियंस मिनिमम 2 ईयर्स का होना चाहिए आप लोगों का, हॉस्टल वार्डन मेल एंड फीमेल, ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम, शुड बी कैपेबल ऑफ हैंडलिंग स्टूडेंट्स, गुड कम्युनिकेशन स्किल इज मस्ट विद मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम एनी रेप्यूटेड बोर्डिंग स्कूल, एडमिशन काउंसिलर का भी रिकॉमेंड है, ग्रेजुएट विद गुड कमांड ओवर इंग्लिश, मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होनी चाहिए इन काउंसिलिंग इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सीनियर HR मैनेजर का भी रिकॉमेंड है, ग्रेजुएट विद MBA एक्सीलेंस कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल स्किल्स, मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस आप लोगों का होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ग्रेजुएट विद MBA एक्सीलेंस कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल स्किल्स, मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस आप लोगों का होनी चाहिए, म्यूजिक टीचर के लिए नॉलेज ऑफ पियानो, कीबोर्ड, ये सब का होना चाहिए, टू टीच प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स वेस्टर्न म्यूजिक, ऑल्सो बी एबल टू ऑर्गेनाइज म्यूजिकल कंसर्ट्स इन इंग्लिश, स्टूडेंट्स काउंसिलर का भी रिक्वायरमेंट है, ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी विद मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एट स्कूल लेवल। एक्चुअली दोस्तों ये थोड़ा सा ब्लर है, इसलिए मैंने सारा रीड कर दिया आप लोगों को, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर ये एविडेंट रहे तो। पे स्केल एज पर प्रेस्क्राइब नॉर्म्स आप लोगों का होना हो जाएगा, हाई सैलरी बी कंसिडर्ड फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैविंग हायर क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस, टू अप्लाई मेल योर अपडेटेड रिज्यूमे मेंशनिंग द पोजिशन दैट यू आर अप्लाइंग फॉर इन द सब्जेक्ट लाइन टू career@pailangroup.com within 7 days। तो जल्द से जल्द 2 दिन पहले ये वैकेंसी का अपडेट आया था दोस्तों, तो जल्द से जल्द आप लोग 3 दिन के अंदर ही अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और आप लोगों का पोजिशन भी आप लोग मेल की सब्जेक्ट बॉक्स में, सब्जेक्ट लाइन में ज़रूर डाल देना, ठीक है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है कोलकाता से, अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहे तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट वैकेंसी है फिर से कल आया है टेलीग्राफ पे, नारायणा ग्रुप ऑफ स्कूल, इसका अपडेट भी मैं अलग से वीडियो में दे चुकी हूँ, तो इसके लिए देख लीजिए
लीजिए, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है पीजीटी टीजीटी पीआरटी में, बहुत सारा सब्जेक्ट्स है यहाँ पे। पीजीटी में देख लीजिए इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, बहुत सारा रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। टीजीटी पीआरटी में भी रिक्वायरमेंट है। इसके लिए क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट दिया हुआ है। अगर आप लोग का एक्सपीरियंस नहीं भी है दोस्तों, फिर भी अप्लाई करके रख दीजिएगा, कभी कभी चांसेस दिया जाता है एज पर द वैकेंसीज एंड रिक्रूटमेंट खाली होने से, मतलब कि रिक्रूटमेंट हो जाता है अगर वैकेंसी पोस्ट खाली रहे तो। ठीक है, प्रिंसिपल और वीपी और एडमिनिस्ट्रेटर और हेडमास्टर का भी रिक्वायरमेंट है, मोर देन 10 ईयर्स का रिक्वायरमेंट है एक्सपीरियंस का। तो प्री प्राइमरी टीचर्स, असिस्टेंट टीचर्स, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, सारा पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है दोस्तों। और प्रेफर्ड लोकेशन एनीवेयर इन वेस्ट बंगाल अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। तो इसके लिए आप लोगों को वेस्ट बंगाल में जो कोई भी आपकी लोकेशन के नज़दीक जहाँ पे लोकेशन है, मतलब कि स्कूल है, नारायणा ग्रुप ऑफ स्कूल है, सोच ली कि आसनसोल में है, कोलकाता में है, ठीक है। तो आप लोग अगर वहीं पे रहते हो तो वहाँ के नज़दीक लोकेशन में ही आप लोगों का पोस्टिंग दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। विद इन 7 डेज आप लोगों को wbrecruitment@narayanagroup.com पे आप लोगों को रिज्यूमे सेंड करना है। कल ही आया हुआ है फिर से, 7 दिन पहले भी आया हुआ था ये वैकेंसी का अपडेट, फिर से आ गया है टेलीग्राफ न्यूज़पेपर पे, ठीक है। तो आप लोग इंटरेस्टेड रहे तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और मैं सैलरी स्ट्रक्चर की बात करूँ तो नारायणा में सैलरी स्ट्रक्चर कंपेरेटिवली अदर स्कूल से थोड़ा सा बेहतर होता है, बट इट वेरीज स्कूल टू स्कूल दोस्तों। लोकेशन की हिसाब से मैटर करता है, स्टूडेंट कितना है और अदर्स मैनेजमेंट का क्वालिटी कितनी अच्छी है, अदर्स जो भी मैनेजमेंट होता है, सिस्टम होता है स्कूल का, उसके ऊपर डिपेंड करता है सैलरी दोस्तों। तो ये इट वेरीज स्कूल टू स्कूल। तो नारायणा में आप काम कर सकते हो दोस्तों, वर्कलोड ज़्यादा ही होता है, बट सैलरी तो थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू अदर प्राइवेट स्कूल मैंने जाना है, थोड़ा सा अच्छा ही होता है, बेटर सैलरी दिया जाता है। अगर आप लोगों का किसी का भी कोई भी कैंडिडेट का एक्सपीरियंस रहे नारायणा का सैलरी के रिगार्डिंग, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे, इससे अदर कैंडिडेट्स भी बेनिफिट पा सकते हैं, ठीक है। BLS गुरुकुल से वैकेंसी है दोस्तों, प्री प्राइमरी टीचर्स, प्राइमरी टीचर्स, TGT, PGT, ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल स्ट्रीम्स, अकाउंटेंट, लाइब्रेरियन, हॉस्टल वार्डन, ये सब का रिक्वायरमेंट है। मिनिमम सैलरी यहाँ पे दिया जाएगा 12K प्लस एकोमोडेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा टू कमेंस्यूरेट विद द स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। और लोकेशन यहाँ इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, सॉरी ये उत्तर प्रदेश का वैकेंसी है दोस्तों, फिर भी मैंने इंक्लूड कर दिया है। तो वेस्ट बंगाल का भी बहुत सारा वैकेंसीज है, तो इसके अंदर एक उत्तर प्रदेश का, एक दो अदर स्टेट्स का आ सकता है। अगर इंटरेस्टेड रहे तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे एकोमोडेशन भी फ्री है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया गया है, 2 नंबर्स दिया गया है, आप लोग चाहे तो कॉल कर सकते हो। और blsgurukul@gmail.com पे और care@morsindia.org morsalindia.org यहाँ पे भी आप लोग मेल कर सकते हो। एक्चुअली ये थोड़ा सा ब्लर है, तो ये जो है blsgurukul@gmail.com पे भी आप लोगों का अपडेटेड CV सेंड कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। BLS गुरुकुल से है ये वैकेंसी, अच्छी स्कूल है ये। नेक्स्ट जो वैकेंसी एपेक्स एकेडमी से है दोस्तों, पूर्वा मिदनापुर, ये सब जो भी वैकेंसीज है दोस्तों, इसका डेट एक्सटेंडेड हो चुका है और न्यूज़पेपर पे ये इंक्लूडेड हो चुका है। तो पूर्वा मिदनापुर महिषादल से है ये वैकेंसी, मोबाइल नंबर दिया गया है 9830276124 एंड 9732558109 पे आप लोग कॉल करके सारे डिटेल्स पूछ सकते हो। ये एक ICSE टू CIACE से एफिलेटेड है और इंग्लिश मीडियम स्कूल है दोस्तों। वांटेड असिस्टेंट टीचर इन इंग्लिश एंड फिजिक्स हैविंग MA और MSc एंड BEd विद हु शुड ऑल्सो हैव इंग्लिश मीडियम स्कूलिंग बैकग्राउंड एंड टीचिंग एक्सपीरियंस इन इंग्लिश मीडियम स्कूल। Also wanted one lady receptionist who should at least be a graduate with fair skill in computer and fluent in English. हैंडसम सैलरी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, विद इन 15 डेज आप लोगों को अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट वैकेंसी है मेरी गोल्ड स्कूल से है, मुंशीरहाट हावड़ा से। यहाँ पे टीचर्स का रिकमेंड है फॉर प्री प्राइमरी एंड सेकेंडरी फॉर सोशल साइंस, मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर एंड हिंदी। BEd विद 2 to 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस आप लोगों का होनी चाहिए। हावड़ा एंड हुगली मेरी गोल्ड 2013@gmail.com पे आप लोगों का CV सेंड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है AIS रिक्वायर्स पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट ट्रेन टीचर्स विथ स्ट्रॉन्ग इंग्लिश कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड फॉर
प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑल सब्जेक्ट्स एंड मेल हॉस्टल सुपर ये सब का भी रिक्वायरमेंट है. सैलरी नेगोशिएबल, सैलरी नेगोशिएशन आप लोगों के हाथ पे है दोस्तों. सेंड योर सीवी एट द रेट तौकीर डॉट होडा hoda@gmail.com पे आप लोगों का सीवी सेंड कर सकते हो. एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, यहाँ पे भी आप लोग कॉल करके सारा डिटेल्स पूछ सकते हो. EIS से वैकेंसी है. नेक्स्ट जो वैकेंसी है दोस्तों ये हो जाएगा सेंट एंड्रयू पब्लिक स्कूल से. ये जो इसका जो लोकेशन हो जाएगा ठाकुर पुकुर कोलकाता 24MG रोड ठाकुर पुकुर कोलकाता से है ये वैकेंसी जोका से. ठीक है, ईमेल आईडी दिया हुआ है, नोट कर लीजिएगा सीवी सेंड करने के लिए. और अप्लाई टू द प्रिंसिपल बोला गया है, तो आप लोगों को स्कूल पे जाकर के ही हार्ड कॉपी जमा करना पड़ेगा हर सारा डिटेल्स का. और ईमेल आईडी में भी आप लोग सीवी सेंड कर सकते हो. तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड आर टीचर ट्रेन टू टीच चिल्ड्रेन ऑफ एज ग्रुप 3 to 5 years इन देयर जूनियर डिपार्टमेंट ऑफ द स्कूल. तो दोस्तों आप लोगों का GBT और NTT अगर आप लोगों का है, DLED है, BED अगर भी है तो फिर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे. ठीक है, सेंट्रल मॉडल स्कूल से वैकेंसी आमतला DH रोड 24 परगनास रिक्वायर्स एक्सपीरियंस्ड टीचर्स फॉर प्री प्राइमरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स इंग्लिश हिंदी बंगाली पॉल साइंस आउटडोर गेम्स ऑफिस असिस्टेंट विद ग्राफिक डिज़ाइन एंड सोशल मीडिया हैंडलिंग स्किल्स फ्लुएंसी इन इंग्लिश इज मस्ट. मेल सीवी आप लोग सीवी मेल कर सकते हो जॉब्स cms2@gmail.com पे. सेंट्रल मॉडल स्कूल से वैकेंसी है दोस्तों, अच्छी स्कूल है ये आमतला 24 वर्गना से है ये वैकेंसी. आप लोगों का प्रेफर्ड लोकेशन मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों. RS पब्लिक स्कूल से वैकेंसी है दोस्तों हाजीपुर बिहार से, ये बिहार की वैकेंसी है. तो अगर इंटरेस्टेड रहे तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो. टीचर्स का रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे फ्री लॉजिंग दिया जाएगा. अगर रिलोकेट करने के लिए सोच सकते हो तो आप लोग यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो और रिज्यूमे सेंड कर सकते हो ई मेल आईडी पे. नेक्स्ट वैकेंसी है दोस्तों यंग होराइजन स्कूल से है, बहुत ही अच्छी स्कूल है दोस्तों यंग होराइजन स्कूल कालिकापुर. EM बाईपास इन्वाइट्स एप्लीकेशन फॉर केमिस्ट्री टीचर PGT केमिस्ट्री प्लस ISC टीचिंग एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स विद एन इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड गुड कम्युनिकेशन एंड IT स्किल्स विल बी प्रेफर्ड. ईमेल रिज्यूमे एंड रिसेंट फोटोग्राफ विद इन 7 days टू अप्लाई yhs@gmail.com पे आप लोगों का CV के साथ फोटोग्राफ आप लोग सेंड कर सकते हो. और एक छोटा सा इंप्रेसिव एप्लीकेशन लेटर भी आप लोग जोड़ दीजिएगा दोस्तों, इससे थोड़ा सा कैची होता है आप लोगों का. बहुत सारा CV वहाँ पे सबमिट होगा तो थोड़ा सा यूनिक सा बनाए अगर आप लोग भेजे तो आप लोगों का शॉर्टलिस्टेड होने का चांस ज़्यादा रहता है दोस्तों. नेक्स्ट जो वैकेंसी है दोस्तों GC स्कूल हाबरा से है दोस्तों, हाबरा की वैकेंसी है GC स्कूल से. तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सपीरियंस्ड PRT TGT PGT टीचर्स लाइब्रेरियन फ्रंट एंड बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव फॉर CBSE एफिलेटेड स्कूल में रिकॉमेंड है एट हाबरा GCS स्कूल hoabra@gmail.com पे आप लोगों का मेल सेंड कर सकते हो, CV सेंड कर सकते हो दोस्तों. कॉन्टैक्ट नंबर पर भी आप लोग कॉल कर सकते हो. नेक्स्ट जो वैकेंसी है देख लीजिए डॉन बॉस्को स्कूल से है दोस्तों, बरहमपुर मुर्शिदाबाद की वैकेंसी है ये. आप लोगों का प्रेफर्ड लोकेशन ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा. टीचर फॉर प्राइमरी स्कूल TTC और DLED सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिया गया है मैथ साइंस एंड कंप्यूटर. और टीचर फॉर हाई स्कूल भी रिकॉमेंड है. MSc BEd इन फिजिक्स कैंडिडेट्स फ्लुएंट इन स्पीकिंग राइटिंग इंग्लिश में अप्लाई टू द प्रिंसिपल विद इन 7 days विद रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ. तो आप लोग ऐसे अप्लाई कर सकते हो. अच्छी स्कूल है डॉन बॉस्को स्कूल, यहाँ पे सैलरी भी अच्छी खासी दिया जाएगा दोस्तों आप लोगों को, क्योंकि रेप्यूटेड स्कूल है एंड बहुत सारा बच्चा यहाँ पे पढ़ता है. और एक्चुअली द सैलरी डिपेंड्स ऑन द रेपुटेशन ऑफ द स्कूल, कितना बच्चा है, कितना मैनेजमेंट अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, अदर सिस्टम कितना अच्छा है स्कूल का, इट डिपेंड्स ऑन इट. ओके, तो सैलरी नेगोशिएशन आप लोगों के हाथ में है दोस्तों. आप लोगों को स्मार्ट अप्रोच दे करके आप लोगों का एकेडमिक रिकॉर्ड एंड अदर्स क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप लोगों को सैलरी नेगोशिएट करना होगा. ठीक है, तो ये जो ईमेल आईडी दिया गया है 2 mail ID है दोस्तों. यहाँ पे आप लोग CV के साथ आप लोगों का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ज़रूर सेंड कीजिएगा और सब्जेक्ट लाइन में आप लोगों का पोस्ट का नाम ज़रूर लिख दीजिएगा. ठीक है,
नेक्स्ट वैकेंसी है सेंट जेवियर्स कॉलेज 30 मदर टेरेसा सरनी कोलकाता से है 16700016 इनवाइट्स एप्लीकेशंस विद कंप्लीट बायोडाटा एंड रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ फुल टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री सब्सटेंटिव पोस्ट फुल टाइम वन पोस्ट मिनिमम क्वालिफिकेशन आप लोगों का रिकॉमेंड है एमएससी इन केमिस्ट्री प्रेफरेबली स्पेशलाइज्ड इन इनऑर्गेनिक विद मिनिमम 55% मार्क्स नेट और सेट और पीएचडी क्वालिफाई आप लोगों का होनी चाहिए कॉम्पिटेंस इन को करिकुलर एक्टिविटीज मे बी प्रेफर्ड क्वालिफाइंग एज लिमिट इज 37 एज ऑन 1st जनवरी 2024 रिलैक्सेबल अप टू 5 ईयर्स फॉर एससी एसटी पीएचडी एंड 3 ईयर्स फॉर ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स एप्लीकेशंस एड्रेस टू द प्रिंसिपल अलोंग विद सीवी एंड डिमांड ड्राफ्ट ऑफ 500 रुपीज टू बी ड्रॉन इन फेवर ऑफ सेंट जेवियर कॉलेज पेएबल एट कोलकाता टू रीच लेटेस्ट बाई 2nd मार्च 2024. तो सेंट जेवियर्स कॉलेज से वैकेंसी है दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे आप लोग देख लिए होंगे अगर आप लोगों का नेट सेट कोई भी क्लियर होगा तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो दोस्तों इसके लिए और 500 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट कटाना पड़ेगा तो ये एक नेगेटिव बात हो गया दोस्तों हर एक फॉर्म्स के लिए अगर रिप्यूटेड स्कूल्स और इंस्टीट्यूशन के लिए अगर डिमांड ड्राफ्ट इतना कटाना पड़े तो हर एक इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है तो फिर भी अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहे अगर आप लोग प्रिपेयर्ड हो तो ही आप लोग अप्लाई करें ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी है वांटेड प्रिंसिपल एमए और एमएससी आप लोगों का होनी चाहिए बीएड होना चाहिए फॉर विवेकानंद एकेडमी से रिक्वायरमेंट है और सीबीएसई स्कूल एट बेताई अंडर पीएस तेहट्टा नदिया से वैकेंसी है दोस्तों। एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड इंटरव्यू ऑन 25th February 2024 फ्रॉम 12 noon विद डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल प्रिंसिपल एमसी मौलिक चेयरमैन तो यहीं पे जाकर के आप लोगों को अप्लाई करना होगा कोई भी मेल आईडी नहीं दिया गया है डायरेक्ट स्कूल पे जाकर के ही आप लोगों को अप्लाई करना होगा तो नज़दीक जो रहते हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों कैम्ब्रिज स्कूल से भी वैकेंसी है दोस्तों तो ये जो वेबसाइट का पता दिया गया है thecambridgeschool.ac.in पर जाकर के करियर सेक्शन पर जाकर के आप लोग अप्लाई कर सकते हो यही सिर्फ डिटेल्स दिया हुआ है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट वैकेंसी है एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ हेडमिस्ट्रेस फॉर अभिनव भारत हाई स्कूल कोलकाता से है ये वैकेंसी प्राइमरी सेक्शन पर्सन्स हैविंग रिक्विजिट एक्सपीरियंस टू सेंड इन एप्लीकेशंस विद इन 7 days टू abhs.cal.2@gmail.com पे आप लोग सेंड कर सकते हो। नेक्स्ट वैकेंसी है इंग्लिश एंड साइंस टीचर का रिक्वायरमेंट है ICSE क्लास 9 and 10 में पढ़ाने के लिए क्वालिफिकेशन आप लोगों का होनी चाहिए बीए और बीएससी ऑनर्स प्लस बीएड एंड 3 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस सैलरी एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हो जाएगा आप लोगों का प्लीज़ ईमेल info.alkoudhardpublicschool@gmail.com। नेक्स्ट वैकेंसी है दोस्तों ये कोटल पोखर झारखंड से है सेंट जेवियर स्कूल से है अगर इंटरेस्टेड रहे तो आप लोग अप्लाई कीजिएगा। एक्चुअली ये सारा वैकेंसीज फिर से आया हुआ है कल टेलीग्राफ न्यूज़पेपर पे इसलिए मैंने अपडेट फिर से दे दिया है अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहे हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट जो नई वैकेंसी आया हुआ है दोस्तों कोलकाता बैरकपुर रिवर साइड रोड 29 बंगलो ये लोकेशन हो जाएगा इसका सॉरी Applications are invited from PRT, TGT and PGT candidates from English medium background with BEd for the following posts. PGT English, Physics, Biology, Computer Science, Maths, Accounts, Physical Education, Chemistry, TGT में देख लीजिए English, Physics, Maths, History, PRT के लिए English, All Other Subjects, All Other Posts किया है पोस्ट में है दोस्तों Counselor, Lab Assistant, PCB, Nurse, Front Office, Executive, सब में रिकॉमेंड है। तो दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ एक्चुअली CBSE स्कूल्स में अगर आप लोग काम करना चाहते हो तो PRT के लिए आप लोगों का सीटेट पेपर 1, TGT के लिए सीटेट पेपर 2 एंड PGT के लिए आप लोगों का पोस्ट ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है बट आप लोगों का अगर नहीं है तो आप लोग कोशिश कीजिए क्रैक करने का अगर आप लोगों को टीचिंग प्रोफेशन में रहना होगा KVS, NVS एंड अदर CMRS एंड अदर स्कूल में अगर जॉब गवर्नमेंट जॉब अगर करना है तो ये आप लोगों को क्लियर करना ही पड़ेगा दोस्तों ठीक है। तो हर एक स्कूल के लिए ये कंपलसरी नहीं होता है आप लोग अप्लाई करते रहिएगा जिनमें लिखा रहेगा ये कंपलसरी है फिर भी आप लोग अप्लाई करते रहिएगा दोस्तों क्योंकि कभी कभी चांसेस तो दिया जाता है बट अगर आप लोग अप्लाई ना ही करें तो कभी भी चांसेस आप लोगों को नहीं मिलेगा ठीक है। 7 days के अंदर आप लोगों को acschool@bkp.gmail.com पे आप लोगों को CV सेंड करना होगा ठीक है। कोलकाता बैरकपुर से है ये वैकेंसी असेंबली ऑफ क्रिस स्कूल बहुत ही अच्छी वैकेंसी है दोस्तों ये। नेक्स्ट जो वैकेंसी है भारत एकेडमी एंड साइंसेस से है उलूबिरिया हावड़ा की वैकेंसी है दोस्तों ये। प्रिंसिपल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर
ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, प्री प्राइमरी टीचर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, ये सब में रिकमेंड है दोस्तों। प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट्स, लीगल स्टडीज, साइकोलॉजी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट्स, प्री प्राइमरी टीचर हैविंग मंथसरी ट्रेनिंग और TTC, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, ये सब में रिकमेंड है। पे एंड अलाउंसेस एज पर नॉर्म सब लोगों का होनी चाहिए। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में सेंड देयर एप्लीकेशन बाई मेल टू careers.thegenesis@gmail.com पे आप लोगों का CV 15 डेज के अंदर आप लोग सेंड कर सकते हो। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फ्रॉम कोलकाता आप लोगों को दिया जाएगा टीचर्स लोगों को, और टीचर्स हॉस्टल भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, यहाँ पे एज पर नॉर्म्स आप लोगों का पे स्केल हो जाएगा। www.bharatacademyandsciences.org पे जाकर के आप लोग सारा डिटेल्स चेक कर सकते हो। नेक्स्ट वैकेंसी है यहाँ पे टीचर्स रिक्वायर्ड, टीचर्स आर रिक्वायर्ड फॉर आवर सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी सेक्शंस इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, ये सब में रिकमेंड है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी दिया गया है दोस्तों। बहुत ही अच्छी स्कूल है, ज्ञान भारती स्कूल है ये नीमताला घाट स्ट्रीट कोलकाता की वैकेंसी है दोस्तों, ठीक है। तो CV आप लोग सेंड कर सकते हो यहाँ पे, ये जो मेल ID दिया गया है ज्ञान भारती 64A नीमताला घाट स्ट्रीट कोलकाता, ये हो जाएगा स्कूल का लोकेशन। तो रिज्यूमे एंड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप लोगों को सेंड करना होगा। 3 years का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आप लोगों को, ये लिखा हुआ है, बट फिर भी अगर आप लोगों का नहीं भी है आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अच्छे से आप लोगों को एप्लीकेशन लेटर लिखना होगा, रिज्यूमे अपडेटेड रिज्यूमे भी बनाना होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये थी आज की वैकेंसीज दोस्तों। आप लोगों का प्रेफर्ड लोकेशन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेस्ट बंगाल एंड अदर स्टेट से मैं कवर करती रहूँगी। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।